साथ रौनक भाई को भी स्पेक्टेट करना चाहिए, बिकॉज रौनक भाई को एक बार हम लोग देखे तो रौनक भाई एकदम नजदीक में घुसे थे घर के अंदर एंड यहाँ पर टेढ़ करते हुए, अगर टेढ़ कुछ किया हुआ तो नेट यहीं पे फटेगा। और यहाँ पर रौनक भाई को इस बात का आई थिंक थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, नीचे की तरफ से क्या यहाँ पर डार्क भाई को हम लोग देख पाएंगे। ओके सो जाते हैं एक बार डार्क भाई की तरफ, यहाँ पर स्काउट भाई बिल्कुल उनके सोच में आते हुए और यहाँ पर डार्क भाई ने नॉक कर दिया स्काउट भाई, बट टीम एक्स का बंदा कवर देने के लिए आता हुआ, साइनर्जी का बंदा नीचे कूद चुका है, टीम एक्स का किल चोरी हो सकता है बाय साइनर्जी की टीम। फिलहाल के लिए ब्रॉल ने यहाँ पर किल सिक्योर कर लिया स्काउट का और यहाँ पर स्काउट ये गेम छोड़ते हुए अब बचे हैं टीम एक्स। ओके सो पांच बंदे बचे हैं जहां पर ब्रॉलर का बंदा अकेला, टीम एक्स के दो बंदे एंड साइनर्जी के दो बंदे। रौनक भाई जो चढ़े थे मतलब क्या ट्राई चढ़े थे ब्रॉल डार्क के सामने, टीम एक्स आ चुकी है पूरी की पूरी एंड यहां पर एम4 का प्ले देते हुए परितोष भाई करके बाहर नॉक्ड आउट पड़े हैं। क्या यहां पर रौनक भाई जाएंगे बचाने के लिए, बिकॉज अगर चले गए और देखो यहां पर टीम एक्स पूरी की पूरी खत्म होती हुई, बचते हैं खाली साइनर्जी एंड ब्रॉल। ब्रॉलर्स की टीम के डार्क भाई ने पूरी की पूरी टीम एक्स को सिंगल हैंडेडली खत्म कर लिया है, साइनर्जी की टीम को अब मौका का फायदा उठा के नीचे आना चाहिए एंड यहां पर साइनर्जी की टीम ने निकाल लिया है पहली मैच में तो विनर विनर चिकन डिनर एंड। तो भाई इनके है कुल मिलाकर 9